कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी के साथ मिलकर शनिवार को नई कॉलोनी से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसमें लोगों से मिलकर दोनों ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जनता से अनुरोध किया कि जिस प्रकार उनकी सरकार ने 5 वर्षों से हरियाणा के विकास को नए पंख लगा दिए हैं, वे अब भी आशा करते हैं कि जनता उन्हें फिर से सेवा का मौका देगी। या उस गरीब माँ के घर में जिसके घर में पिछले 75 वर्षों में जो इसका क्या मनोहर लाल जी ने जनसभाओं में ये बोल कर जिससे माता बहन मार काम का अधिकारी वो गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम करेगा, हर घर में गैस का सिलेंडर दिया। और जो CM विंडो के माध्यम से मनोहर लाल जी ने एक आम जन को बड़ी राहत देने का काम किया कि उसको घर बैठे ही न्याय मिला है, उसको चक्कर नहीं काटना पड़े। और जो मनोहर लाल जी ने एक और कार्य किया है कि जो बिजली के रेट कम किए, आज तक किसी सरकार ने बिजली के रेटों में कमी नहीं की, पहली बार मनोहर लाल जी की सरकार ने बिजली के भाव में कमी की। लगातार जनहित के उनको सुविधा देना, योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना, आम जन के जीवन को सरल करना, ये मनोहर लाल जी की सरकार विधानसभा में किया जाएगा जी। बिल्कुल, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है। 15 तारीख तक चलेगा, 16 तारीख को JP नड्डा जी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ क्षेत्र में जो हमारे BLA2 हैं और हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, पालक हैं, ऐसे सब प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ वो वार्ता करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी BLA2 और सभी शक्ति केंद्र प्रमुख और पालक हमारे कुरुक्षेत्र जिला के BLA2 रहेंगे और बाकी जिलों के शक्ति केंद्र प्रमुख पालक रहेंगे। और उसके अंदर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा जी पहुँच रहे हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा 16 तारीख। उसके अंदर करनाल लोकसभा के भी कार्यकर्ता इसके अंदर रहेंगे। सुधा जी क्या कहेंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं, फिर समय आ गया आपको 2019 में, 2014 में जिस तरह भारी मतों जिताया, अब 2019 आ चुका है। मैं सर्वप्रथम पहले तो फैसले की जनता का धन्यवाद करूंगा। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भाई नायब सैनी जी को 9 की 9 विधानसभा में से लेकर 1 विधानसभा से फैसले से जिताया, मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ अभी विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, अभी पार्टी की तरफ समझ में होने लगी है डोर टू डोर स्पर करने के लिए, इधर उस पर अभियान के लिए। इस प्रकार से भाई नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 1966 के बाद एकमात्र मुख्यमंत्री आया तो मनोहर लाल जी, इस प्रकार से नौकरियाँ पहले बिकती थी, आज पहली बार बच्चे इंटरव्यू दे के नहीं आते, घर नहीं पहुँचते, उनकी कॉल आती कि आपकी सिलेक्शन हुई, ऐसी व्यवस्था कर दो, कैरोसिन फ्री प्रदेश कर दिया, इसके साथ में पेंशन ऑनलाइन 1000 करोड़ रुपये का कपड़ा खुश कर पेंशन ऑनलाइन करी। आज 486 स्कीमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी है, इस दिशा के अंदर जाएंगे, चाहे आधार कार्ड बनाना है, चाहे वोटर कार्ड बनाना है, चाहे अपने छोटा छोटा राशन कार्ड बनाना है, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर अपनी फाइल दीजिए, ऑटोमेटिक बन के आपके पास आ जाएगी, ऐसी व्यवस्था मनोहर लाल जी ने करी। जिस प्रकार से 5 एकड़ से कम किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6000 रुपये देने का किया, इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने भी 6000 देने का किया, तो मैं कहूँगा बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं। देख रहे हैं आप क्षेत्र की तरफ, क्षेत्र के अंदर 1100 करोड़ रुपये का आदरणीय मुख्यमंत्री के माध्यम से नया कार्य हुआ, तो आज हम अभियान के तहत जो भी मुख्यमंत्री जी की हमारी नीति है उनकी पहचान करोड़ों रुपये के विकास कार्य आपने कराए थानेसर विधानसभा की बात की, तो अब दोबारा 2019 में जनता आपको विधानसभा पहुँचाने की तैयारी करी, क्या कुछ रहेगा मन में ऐसा जो प्रथम पैकेज? तो मैं ये कहूँगा हमारी पार्टी इस बात का निर्णय लेगी कि किस प्रकार से किसको टिकट देना है, उसके बाद हम आपके साथ खुल के बात करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।